अगर आप ओला इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे हो, रोस्टर एक्स लेने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार इसको बुक कर दिया जाए, तो फिर मैं आपको बोलूंगा थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसके क्या हाइलाइटिंग फीचर्स है जिस कारण से आपको इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। वैसे तो इस गाड़ी में तीन मॉडल्स आते हैं। रोस्टर एक्स में 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, वो तो मैं आगे बताऊंगा, बट स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट होती है 75,000 से एंड गोस अप टू 1 लाख रुपीज। ये सारे एक्चुअल प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस थोड़ा सा और ऐड कर लो, 15,000 रुपए और ऐड कर दो तो ये आपकी ऑन रोड प्राइस हो जाएगी। अब इन गाड़ियों में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड मैं आपको करता हूँ जो टॉप ऑफ द लाइन इनकी गाड़ी है, क्योंकि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक सफिशियंट रेंज होनी चाहिए जिससे आपको बाइक चलाने में मजा भी आए। अब ऐसा ना हो कि आपने बाइक चलाने का मजा लेने चाह रहे हैं लेकिन रेंज आपके पास बहुत लिमिटेड हो, तो फिर वहां पे थोड़ा बहुत किरकिरा हो जाएगा, आपका पूरा चलाने का जो मूड है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्कूटर चलाते तो वहां पे समझ में आता है कि हाँ आप एसेंशियल चीजों के लिए आप स्कूटर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर रेंज अगर थोड़ा सा कम भी मिले तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट आप बाइक चला रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेंज चाहिए होगा। तो ऐसे में आप टॉप ऑफ द लाइन जो रोस्टर एक्स का जो मॉडल है 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक उसको कंसीडर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले हाइलाइटिंग चीज की, वो है इसका परफॉर्मेंस। जो रोस्टर एक्स है इसका अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 11 किलोवाट का मोटर। अगर 11 किलोवाट का मोटर का अगर आपको परफॉर्मेंस समझना है कि कैसा है, तो सिंपल मैं आपको बोलूंगा कि आप ओला इलेक्ट्रिक की शोरूम जाइए एंड वहां पर जो ओला S1 Pro Gen 2 है उसको एक बार ड्राइव करके देखिए, उसको चला के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि यार 11 किलोवाट का मोटर क्या खतरनाक परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि अगर आपने उसको चला लिया तो आपको समझ में जाएगा कि भैया इस बाइक में भी वही टाइप का परफॉर्मेंस मिलने वाला है जो आपको ओला S1 Pro Gen 2 में देखने को मिलता है। वेल, इस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है 124 किलोमीटर पर आवर, बट ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी की बात करो, अगर सबसे बेस मॉडल की बात करते हैं तो 107 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूं जो टॉप ऑफ द लाइन लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा ही पैसा आपको ऐड करना है बट आपको रेंज आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और इसके अलावा ये जो टॉप स्पीड है आपको स्पोर्ट मोड में मिलेगा, और इसके अलावा दो मोड और है, नॉर्मल एंड इको, तीनों ही मोड आपको तीनों ही मॉडल में मिल जाएंगे, बट मैंने अभी आपको टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी की बात की है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस की बात करें तो 0-40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन जस्ट 2.8 सेकंड में कर लेती है। दैट मींस काफी क्विकर ये बाइक है, यानी बहुत तबाही बाइक है जिस पे आप जा सकते हैं अभी के टाइम में। नेक्स्ट जो हाइलाइटिंग चीज है दैट इज रेंज। देखो परफॉर्मेंस के बाद जो दूसरी जगह आपकी निगाह जाती है वो है रेंज, कि रेंज कितना देती है। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, ये तीन वेरिएंट है रोस्टर एक्स में। अगर मैं 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करता हूं तो ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है और इसमें आपको रेंज मिलता है 200 किलोमीटर, वो सर्टिफाइड रेंज है। सर्टिफाइड रेंज देख के कभी गाड़ी मत लो, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो रेंज आएगी 140 से 150 के बीच में आएगी, जो कि मेरे हिसाब से डेली यूज के हिसाब से, डेली ऑफिस गोइंग के हिसाब से अगर आप बाइक सर्च कर रहे हैं देन ये रेंज काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए, बेटर होने वाला है। तो आप इस मॉडल के तरफ जाएंगे तो ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ मैं मोटरसाइकिल सही चूज किया है और सही गाड़ी चला रहा हूं मैं। इसके अलावा जो 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो मॉडल है उसमें भी आपको ट्रू रेंज कम से कम 80-90 के बीच में मिलेगा एंड जो 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक उसमें लगभग 110 से 120 किलोमीटर की रेंज आपको मिलने वाली है। थर्ड हाइलाइटिंग चीज है वो है इसके फीचर्स। अब फीचर्स भी बहुत सारे इस गाड़ी में, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है 4.3 इंच का सेगमेंट का LCD कंसोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कनेक्टिविटी, फुल्ली LED लाइटिंग सिस्टम, एडवांस रीजन ब्रेकिंग, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, TPMS, जियो फेंसिंग एंड टाइम फेंसिंग दोनों का दोनों इस व्हीकल में दिया हुआ है। प्लस मूव OS 5 आउट ऑफ फैक्ट्री आपको मिलने वाला है। प्लस मूव OS 5 में कुछ फीचर्स और एडेड होंगे जो स्पेसिफिकली बाइक्स के लिए होंगे, जो कि आपको इन बाइक्स में भी मिलने वाला है। अगेन बहुत अच्छे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अब आती है इसके नेक्स्ट हाइलाइटिंग चीज, वो है इसके हार्डवेयर। तो हार्डवेयर भी काफी तगड़े है इस गाड़ी में। 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट एंड रियर में आपको सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में डुअल सस्पेंशन दिए गए जिससे आपकी राइड काफी कंफर्टेबल होने वाली है। ब्रेकिंग ड्यूटी की बात करते हो तो यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। यहाँ पे ABS नहीं है, क्योंकि ABS सिर्फ और सिर्फ रोस्टर प्रो में जो कि 2 लाख की आती है, यानी इस गाड़ी से डायरेक्ट डबल द प्राइस। बाकी उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद हम लोगों ने अभी तक किसी बाइक कैटेगरी में नहीं देखा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वो भी फुल्ली लोडेड है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फुल्ली लोडेड,
100 है, प्लस बैटरी भी काफी मैसिव उसमें आने वाली है, तो वो एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। प्लस यहाँ पे आपको मिलता है फ्लैट एंड स्टडी सीट, काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, गाड़ी के हार्डवेयर भी काफी तगड़े देखने को मिलते हैं। हालांकि जो व्हील्स है वो हल्का सा स्किनी है और गाड़ी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा स्किनी है, ऐसा नहीं बोल सकता कि यार बहुत हैवी लगेगी, थोड़ी स्किनी है बट ठीक ठाक है ये गाड़ी। नेक्स्ट चीज इसकी अवेबिलिटी की कब से होने वाली, क्योंकि प्राइस तो मैं बता चुका हूं 75,000 से स्टार्ट होती है, गोस अप टू 1 लाख। तीनों मॉडल के प्राइस बता देता हूं फिर भी। 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक का है 75,000, एंड अगर 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करें तो 85,000, और अगर आप लेने का सोच रहे हो टॉप ऑफ द लाइन 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, उसकी प्राइस देंगे 1 लाख। अब इसकी अवेबिलिटी की बात करते हैं, तो अवेबिलिटी है इसकी जनवरी फरवरी 2025 से। यहां पे इसकी डिलीवरी स्टार्ट भी हो जाएगी और टेस्ट राइड भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कंपनी ने लॉन्चिंग इवेंट में यह भी कहा है कि विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको शोरूम्स में ये गाड़ी एज अ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे आप लुक एंड फील ले सकते हैं इन बाइक्स का, इन तीनों बाइक्स का। बट मेरे को मालूम है कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमेशा कंपनी क्या करती है, जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी होती है ना उसको रखा जाता है जिससे लोगों का दिलचस्पी उस पे हो। तो आपको रोस्टर प्रो सबसे पहले मिलेगी शोरूम्स के डिस्प्ले में, और उसके अलावा जो दूसरी गाड़ी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर उस समय ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट आ जाता है कि वो गाड़ी को टेस्ट राइड भी प्रोवाइड करे, तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप एटलीस्ट टेस्ट राइड ले सकते हैं, बट वो टोटली डिपेंड करता है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो यही कुछ चीजें थी, कुछ हाइलाइटिंग चीजें थी जो इस बाइक के ऊपर मुझे बताना था। मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, ये गाड़ी आ रही है वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि हाँ बाइक कैटेगरी में ओला इलेक्ट्रिक आ रही है, बट अगेन ओला इलेक्ट्रिक का हमने अभी तक जो पास्ट हिस्ट्री चेक किया है उसके अकॉर्डिंगली जब भी वो नई गाड़ी लॉन्च करते हैं उनमें कुछ ना कुछ इश्यू होता है। तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट स्लॉट से थोड़ा सा दूर रह के सेकंड स्लॉट की तरफ जाओगे, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।